हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग हम करने वाले हैं कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है या फिर किसी के साथ आपने अच्छा किया था, बट उस इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत किया है, फिर आपको वो रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, तो जो रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, आप जो भी जिस भी चीज़ के हकदार थे, आपके साथ गलत हुआ, तो हम देखेंगे कि उन लोगों के ऊपर क्या कर्मा बैकफायर करेगा। ऑल्सो हम देखेंगे कि उनको क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, आपको हर्ट करने के लिए या फिर आपको गलत ठहराने के लिए उन इंसानों को क्या जो है कर्म फल मिल सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और ये रहे आपके पाइल, देख लीजिए और उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है, हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से है तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको क्या मिलेगा, या फिर क्या भगवान उनको उनकी कर्म की सजा देंगे। ठीक है, तो क्या उनको अपनी कर्म बैकफायर करेगा, तो बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। और मैं थोड़ी ये भी देखूंगी कि आपको आपके कर्म का फल भी क्या मिलेगा। ठीक है, ओके, क्या उन लोगों को कर्म फल मिलेगा। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि आप वो लोग हो, ठीक है, जिनकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जिनकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, जो भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, और जिनको जो है लाइफ में जो भी उनकी इंट्यूशन आती है बहुत अच्छी आती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो भी आपकी आप एक डिवाइन सोल हो, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छा काम करती है, आपको जो आपका इंट्यूशन बोलता है वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप डिसअपॉइंट उन लोगों से हुए हो जिनको आपने अनकंडीशनल प्यार किया है। ठीक है, आपने उन लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको यूज किया है। ठीक है, आपने उनको बहुत प्यार दिया, चाहे एक सिस्टर की तरह हो, या फिर एक गर्लफ्रेंड की तरह हो, एक मदर की तरह हो, या फिर एक वाइफ की तरह हो, या फिर एक हस्बैंड की तरह हो, ब्रदर की तरह हो, ऑल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आपने उनको दिया है, लव रिस्पेक्ट आपने दिया है, बिना कोई कंडीशन के। आपने कोई कंडीशन कभी नहीं रखी कि मैं तुमको अगर इतना रिस्पेक्ट कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, तो मुझे भी बदले में दो, तो आपने ये कभी नहीं चाहा है। तो कहीं ना कहीं आपने अनकंडीशनल लव दिया है, और ऑल्सो आपने उनको उनकी मनचाही अनएक्सपेक्टेड बहुत गिफ्ट्स दिए हैं। जैसे वो बोलने से पहले आप बहुत ज़्यादा समझदाते थे कि इस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे इस इंसान को ये चीज देनी है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके अंदर एक, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत प्यार की भावना थी, बहुत एक प्योरिटी थी। आप हमेशा गिफ्ट्स देना पसंद करते थे अब उन लोगों को, या फिर कुछ ना कुछ आप देते रहते थे कि ठीक है ले जाओ, खुश हो जाओ, अपने ही हो। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हुआ, आपको वहां से चीजें जो है इशू हुआ, क्योंकि एक होती है ना कि अगर भूख किसी को लगता है आप खाना देते हो तभी वो खुशी से उसको ग्रहण करता है, लेकिन ऑलरेडी किसी के पास खाना है, आप उसको दोगे तो वो उस चीज़ का कदर नहीं करेगा। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं की। इनके लाइफ में वो कमी नहीं थी उस प्यार की, या फिर उस गिफ्ट की, उस चीज़ की कमी नहीं थी, बट फिर भी क्योंकि आप उनको बहुत पसंद करते थे, आप उनको एडमायर करते थे, तो आपने उनको वो चीज़ दिया, लेकिन उन्होंने वो चीज़ कदर नहीं किया। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ मुझे लगती है कि आपने कुछ अपनी फ्रेंड्स को, किसी को तो कुछ कोई जॉब पाने में बहुत मदद की है, या फिर पढ़ाई में बहुत मदद की है, बट एंड मोमेंट पे आके, या फिर कहीं जॉब लाइफ पे आपने जो किसी को बहुत मदद किया है, काम बहुत अच्छे से करते हो, डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन फिर भी वहाँ से भी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी दिखी। वहाँ पे भी ऐसा दिखा कि आपकी मेहनत तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला। तो यहाँ पे बेसिकली आपके साथ बहुत गलत हुआ है। तो होगा क्या, जिन लोगों को आपने अनकंडीशनल लव दिया है ना, सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आपने सिर्फ उनका अच्छा और भला चाहा है, तो अगर उन लोगों ने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया है, तो उनके लिए ये कार्ड शो कर रहा है लॉस, उनका बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं रोने वाले हैं, जो
एक हेल्पिंग हैंड उनको मिल रही थी ना आपकी तरफ से, जब वो मिलना बंद हो जाएगा या फिर एक हेल्पिंग हैंड किसी की तरफ से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप एक जेन्युइन पर्सन का हेल्पिंग हैंड ठुकराते हो तो आपको कोई जेन्युइन पर्सन फिर मिलता ही नहीं है। हर एक इंसान ऐसे मिलते हैं जो आपको यूज करेगा या फिर काम तक आपके साथ रहेगा, तो उनको काम पाने तक कुछ लोग उनके साथ रहेंगे, फिर उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है कि कोई जेन्युइनली उनको हेल्प करेगा या फिर कोई जेन्युइनली उनके साथ रहेगा। उनको मोस्टली सारे लोग यूज करके छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको कोई अनकंडीशनल लव देता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। एक लॉस उनको कहीं ना कहीं फील होगा कि मुझे एक लॉस हो रहा है, पर्सनल लेवल पे एक लॉस उनको होता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट जो चीज मुझे दिख रही है, जिनको आपने बहुत ही ज्यादा दिया था, गिफ्ट वगैरह दिया था या फिर जो हेल्प आपने किया था, वो नहीं जानते थे, आपने फिर भी हेल्प कर दिया, उनका काम करवा दिया, तो उन लोगों के लिए स्पेशली एक चीज होने वाली है कि कहीं ना कहीं से उनको कुछ चीजें डिनायल होने वाली है। जैसे आप उनको देते थे, मदद करते थे, लेकिन दूसरे लोग उनको डिनाई करेंगे मदद के लिए, ठीक है? चाहे उनकी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो रोते हुए लोगों के पास जाए, फिर भी लोग उनको मना करेंगे, ठीक है, डिनाई कर देंगे कि नहीं, हम तुम्हारी ये मदद नहीं कर सकते हैं। बिकॉज शायद लोगों ने देखा होगा कि आपने मदद किया, बट उन्होंने आपके साथ क्या किया, शायद उन लोगों ने वो चीज देखी होगी, या फिर जेन्युइनली भगवान ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो जिन लोगों को आपने मदद किया है ये बोल के कि चलो मदद ले लो और अपना काम कर लो क्योंकि तुम परेशान हो रहे हो, उन लोगों ने जब बैकफायर किया है आपसे, तो भगवान उनके ऊपर बैकफायर करेंगे, ठीक है? तो उनको बहुत कुछ चीजें डिनायल मिलेगा, बहुत कुछ चीजें मना करने के लिए मिलेगा उनको। वो बेसिकली जो एक हेल्प मिलता था वो किसी से नहीं मिलेगा। तो डिनायल का कार्ड यहाँ पे बहुत क्लियरली शो कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट जो मुझे दिख रही है, द डिसिप्लिन। आपने जो डिसिप्लिन काम किया था, ठीक है, आपने जो डिसिप्लिन होके वर्क प्लेस पे जितना काम किया है या फिर आपने जितना लोगों को समझा था, वहां पे अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओके, विक्ट्री। नेक्स्ट इंट्यूशन, उनको क्या कर्मा मिलेगा? डिसीट। ओके, तीनों चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि जिन लोग वर्क प्लेस पे या फिर फाइनेंशियली आपने किसी को बहुत मदद कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, तो क्या होगा? पहले तो उनको विक्ट्री मिल जाएगी, हासिल हो जाएगी, क्योंकि वो आपका क्रेडिट ले रहे हैं, आपका श्रेय लेंगे, या फिर आपने कहीं पे ऐसी जगह पे किसी की मदद किया था फैमिली में भी कि तुम ये करो तो तुम्हें ऐसे सक्सेस मिलेगा, ठीक है? आपने रास्ता किसी को दिखाया था या फिर यहाँ पे जेन्युइन चीज है, ये इस चीज को खरीदो, तो ये सब चीजें हैं जहां पे आपने किया था जेन्युइनली। पहले तो उनको विक्ट्री महसूस होगी, फिर कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन ही उनको खाएगा कि नहीं, मैंने गलत किया है, मैं तो जीत गया लेकिन किसी और को हरा के या फिर किसी और का खराब करके। आप किसी का बुरा करके नहीं जीत सकते हो, आपको अगर जीतना है तो खुद ही अच्छा करो, ठीक है? तो उन लोगों को वो इंट्यूशन होगा, लेकिन वो खुद सही नहीं करेंगे। इंट्यूशन आने पर भी लोग सही नहीं करते हैं, लोग इतने आजकल स्वार्थी हैं, ठीक है? तो फाइनली क्या होगा? डिसीट यहाँ पे दिख रहा है, द डिसीट एनर्जी। और डिसीट एनर्जी यही बोलता है कि जो भी मुखौटा उन लोगों ने पहन के रखा है, जो आपका क्रेडिट उन्होंने लिया है, जो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, उन सारे लोगों का मुखौटा उतरेगा, ठीक है? उनका तो मुखौटा उतरेगा उतरेगा, लेकिन उनके साथ भी वही चीज होने वाली है, छलावा उनके साथ होने वाला है। जो छलावा उन्होंने आपके साथ किया, जो छलावा कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट खा के वो जीत गए, या फिर आपका आपका इस्तेमाल करके उन्होंने अपना काम निकलवा लिया, जीत गए, फिर जीतने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? फिर कर्म का चक्र शुरू होता है, कर्मा साइकिल शुरू होता है। और जहां पे एक देख सकते हो ना, इस इंसान का मुखौटा यहाँ पे बिल्कुल उतर चुका है, ठीक है? अब वो जिन भी लोगों के पास जाएगा, सब उसको डुअल फेस वाले, दो दो मुंहे, दो मुंहे इंसान उनको मिलेंगे। कोई भी एक जेन्युइन पर्सन नहीं मिलेगा जहां से उनको वो जीत मिल सकती है या फिर वो हेल्प मिल सकता है जो आपने किया था, ठीक है? ये उन लोगों की जेन्युइन कर्मा है। अब मैं देखूंगी कि अगर आपने कोई कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों कर्म फल नहीं मिल रहा है, तो आपको भगवान किस रूप में वो कर्म फल देंगे, ठीक है? एंजल डिवाइन हमें गाइड कीजिए।
ओके आप हो सकते हो लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग लियो दिख रही है। आप हो सकते हो कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। आप हो सकते हो एरीज, सजिटेरियस, लियो। आप हो सकते हो अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ठीक है, ऑल साइन है यहाँ पे, डोंट वरी। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो अच्छे कर्म का फल है, द स्ट्रेंथ के, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग मेंटालिटी के पर्सन हो, इतना वीक नहीं हो। किसी ने कुछ बोल दिया, मैं रो पड़ी, मैं हार गई, ये इंटेंशन का आप इंसान ही नहीं हो। ठीक है, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ तो सबसे पहले बहुत ज्यादा है, यही स्ट्रेंथ आपको आगे लेके जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है, द स्टेबल एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सब एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। तो किंग एनर्जी, स्टेबल एनर्जीज, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अगर काम, वर्क प्लेस पे पढ़ाई की है, अच्छे से काम किया है या फिर मेहनत की है जॉब में, तो वो आपको एक स्टेबल जॉब या फिर एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन, वो चीज़ मिलेगी। पैसा आपको अच्छा खासा मिलेगा अगर आपने वर्क प्लेस पे बहुत मेहनत किया है तो, क्योंकि आप स्ट्रांग हो। दूसरी चीज़ आपके कर्म का फल, द किंग ऑफ वॉन्ड एनर्जी, आई कैन सी, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली है। ठीक है, एक दिखता है कि आप जो बोलोगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके अंडर काम करेंगे। ठीक है, आप अगर कोई एक बहुत पर्टिकुलर चीज, आपको कोई ऐसी अथॉरिटी मिलेगी जहाँ पे आप लोगों को अपने कर्म के हिसाब से नचा सकते हो, ये चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मेहनत उतनी की है, तो आपको कोई ऐसी अथॉरिटी मिलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ऐसी मुझे दिख रही है, द किंग ऑफ वॉन्ड एनर्जी, ये कि आप जो है, एक होती है ना कि आपको ऐसा कर्म फल मिलेगा जहाँ पे लोग आपको इंस्पिरेशन मानेंगे। ठीक है, आप लोगों के नज़र में एक ब्यूटीफुल पर्सन बन के निकल के आओगे। ऑल्सो आपके सामने कोई आपकी प्रोटेक्शन के लिए रहेगा, भगवान आपको किसी को तो देंगे जो आपका प्रोटेक्शन करता रहेगा, वो भी आपका एक अच्छा कर्म का फल है। ठीक है, क्योंकि बुरी नज़र से बचाने के लिए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर ऑफ वॉन्ड एनर्जी, सेलिब्रेशन, कोई शादी, किसी कोई रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की है, कोई शादी आ रहा है, या फिर फोर ऑफ वॉन्ड एनर्जी ये भी दिखाता है कि आपको सक्सेस मिलेगा, पिलर ऑफ सक्सेस मिलेगा, जहाँ पे, जिस पे आप हाथ रख के सक्सेस पाओगे। ठीक है, मदद करने वाले चार लोग आपको मिलेंगे, या फिर ऑटोमेटिकली मदद मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। और बॉटम ऑफ द डेक तो नाइन ऑफ कप्स ही है, तो जो कि इच्छा पूरा को ही दिखाता है, आपकी इच्छा पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके अच्छा कर्म का फल आपको एक्चुअली में अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके लिए स्टेबिलिटी, मुझे आपके लिए सेलिब्रेशन, खुश होना, और ऐसा दिख रहा है कि किसी का जॉब लग जाएगा आपका, तो फिर आप जिनसे शादी करना चाहते हो उनसे शादी आपकी हो जाएगी जॉब लगने के बाद। और या फिर ऐसा दिखता है कि बहुत मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का फल आपको आज मिलेगा जाके कुछ दिन में, जहाँ पे आप मेहनत से उठ के सिर्फ फ्रूटफुल रिजल्ट पाओगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, अब जिंदगी भर उसका फल ही पाना है, खुशी का फल। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। हेलो, पायल नंबर टू, अगर ये है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो चलिए देखते हैं कि क्या बैकफायर कर्मा करने वाला है, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है, आपका प्यार का मोल नहीं समझा है, और दूसरा, आपको आपके अच्छे कर्म का क्या फल मिलने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके, और जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको क्या फल मिलेगा, आप उन लोगों के बारे में सोचिए। ठीक है, भगवान उनको क्या देंगे वो सोचिए, ताकि उन लोगों के बारे में आपको सटीक तरीके से जो है पता चले। एंजल डिवाइन हमें बताइए, जिन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है उन लोगों की क्या हश्र, क्या हालत हो सकती है।
बॉटम ऑफ द डेक इज सॉलिट्यूड, ठीक है। देखो, आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों के लिए देख रहे हो, सबसे पहले उन लोगों के लिए देख रहे हो जिन लोगों को आपने या तो उनके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप किया है, वहां से धोखा मिला है, या फिर कोई बहुत अच्छा मित्र होंगे आपके, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप आपने कराया और फिर बाद में वही दोस्त जाके धोखा दे दिया, या फिर किसी को बहुत प्यार किया, फैमिली। देखो, कुछ लोग ऐसे तो हैं जिनके फैमिली के तरफ से भी धोखा मिला है, परिवार के तरफ से भी धोखा मिला है, वो भी एक चीज मुझे दिख रही है कि जिसके तरफ से आपको लगा नहीं था ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है फैमिली में या फिर फ्रेंड में, वो उसने भी धोखा दिया है। प्यार किसी को करते थे, उसने धोखा दिया है, ठीक है। एक चीज होती है कि किसी के साथ आपने शुरू की थी कोई न्यू बिगिनिंग, आपको ऐसा लगा था कि मुझे सब लोग धोखा दे सकते हैं, बस यही नहीं दे सकता है। कोई नया काम शुरू किया था, कुछ तो किसी के ऊपर बिलीव करके नई चीज को शुरू की थी, नया नया कुछ चीज था और इनिशियल स्टार्टिंग फेज में ही आपको धोखा उन इंसानों से मिला है, ठीक है। तो कर्म का फल उनको क्या मिलेगा? सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को आपने, एक तो आपने बहुत सेल्फ कंट्रोल की है, ये चीज मुझे दिख रही है। पार्टनरशिप एंड लव जिन लोगों से आपने की है, जिनके साथ अच्छा किया है, उनसे धोखा मिलने के बाद या फिर उनसे गलत होने के बाद, सबसे पहले तो है आपने सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया है। आपने उनके साथ जाके बहुत आर्गुमेंट, बहुत लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, आपने बहुत खुद को संभाला है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छा करके रखा है कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, अब तुम्हारे साथ जाके मैं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकती हूँ ना, ठीक है, मैं अपने रास्ते में खुश रहती हूँ, तुम अपने रास्ते में खुश रहो। तो ये आपने किया था और बहुत अच्छी तरीके से आपने ये किया था, ठीक है। तो यही आपकी सेल्फ कंट्रोल ही आपको जिताती है आधा, और इसी से ही नेगेटिव लोग आधा जल जाते हैं। उनको क्या मिलेगा? वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। सर्वाइवल मतलब ये कि उनकी वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट सिचुएशन होगी, कुछ ऐसी जगह पे वो पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो अकेले रह जाएंगे, उनको कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा, वो सोचेंगे, ठीक है, कि कोई मुझे मदद करे। आप इनको प्यार दे रहे थे, पार्टनरशिप ऑफर कर रहे थे, इनका हाथ पकड़ के इनको आगे लेके जा रहे थे, लेकिन जब वही इंसान धोखा देते हैं तो मिलता क्या है? कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, अकेले जगह पे है, दुश्मनों से घेरे हुए हैं या फिर गलत नेगेटिव लोगों से घेरे हुए हैं। जहाँ पे स्टार था, जहाँ पे आपका हाथ था या फिर जहाँ पे साथ था, खुशियाँ था, वहाँ पे देख सकते हो शार्क्स है, ठीक है, मतलब ये कि मौत, जैसे मौत के किनारे हैं। तो वो लोग अकेले कुछ चीज़ें मुझे हैंडल करते हुए, कुछ चीज़ें अकेले सर्वाइव करते हुए, अकेले कहीं पे सफ़र करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने आपका हाथ छोड़ा है ऐसी मोमेंट पे जहाँ पे आपको जरूरत थी कि मेरा बस मुझे इस बार मदद कर लो या फिर मेरा हाथ पकड़ लो, वो लोग आज अकेले चुपचाप सफर कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ये लाइफ में कर्मा मिल रहा है, उनको कर्मा मिलेगा क्योंकि कर्मा सिखाता है, ठीक है। आप किसी को छोड़ के जाके, हाथ छोड़ के ये नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे उनको कर्मा मिल रहा है, सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपने अपने आप को संभाल लिया, सेल्फ कंट्रोल कर लिया, नेगेटिव लोग आपसे काफी दूर, आप अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांगली रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोग जो है जिनको आपने बहुत रिस्पेक्ट प्यार दिया था, उन्होंने आपको धोखा दिया, तो वो आज जल रहे हैं अपनी ईगो के वजह से, ठीक है। कुछ लोग अपनी ईगो के वजह से जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव पा रहे हैं। सेल्फ एस्टीम देख रहे हो, वही चीज है कि खुद अपने आप को खुदा मान बैठे थे, खुद, कुछ लोग तो अभी भी वही कर रहे हैं, ठीक है, खुद मैं ही, आई एम एवरीथिंग, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो वो लोग धीरे धीरे उस पाथ पे जा रहे हैं जहाँ पे वो अकेले होने वाले हैं। सॉलिट्यूड का कार्ड है ना यहाँ पे, ठीक है, वही दिखाता है कि जिन लोगों को आपने अनकंडीशनल लव दिया है, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम तो बड़े स्पेशल हैं, तो हमको तो प्यार मिल रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली धीरे धीरे उनके साथ क्या हो रहा है, वो सबसे बिछड़ रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, उनके ईगो की वजह से वो बस अकेले रह रहे हैं लाइफ में, और एक पॉइंट के बाद, कुछ दिनों के बाद वो सॉलिट्यूड में चले जाएंगे, अकेलेपन में चले जाएंगे, उनको कोई नहीं होगा हाथ पकड़ने वाला। जो लोग अपने ईगो में रहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही खुद को प्यार कर लूँगा, फिर खुद को प्यार कर लूँगी, ये सब सिचुएशन जो क्रिएट करते हैं
तो वो लोग जो है एक जैसे यहाँ पे है कार्ड, द डिल्यूजन का कार्ड, ठीक है, डिसीशन का कार्ड है, ठीक है। तो वो लोग कोई डिसीशन लेना ही नहीं चाहते, वो लोग ऐसे चाहते हैं कि नहीं मुझे किसी की पक्ष सुनना ही नहीं है। तो वो लोग सॉलिट्यूड, अकेलेपन में जाने वाले हैं। तो जिन लोगों को आपने बहुत प्यार दिया, सर पे चढ़ाया, उन वो लोग धीरे धीरे घमंडी होने लगे, या फिर जिन लोगों को आपने बहुत दोस्त माना, सब कुछ आपसे हासिल कर लिया, हेल्प ले लिया, और फिर वो घमंडी बन गए कि मैं एक मुकाम तक पहुंच गई, वही लोग जो ठुकरा रहे हैं मुझे, वही लोग अकेलेपन में रहते हुए, किसी के साथ खुशी नहीं बांटते हुए, सॉलिट्यूड में रहते हुए दिख रहे हैं। अब अकेलापन सबसे बड़ा डिप्रेशन होता है। आप ये मत सोचो कि अकेलापन तो क्या बुरा, अकेलापन बहुत डिप्रेशन होता है। जब कोई नहीं होता आपके पास शुरू कोई भी बात बताने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए, तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होने लगती है, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके अच्छा कर्म का आपको क्या फल मिलने वाला है। एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। द लवर, अगर आप, सबसे पहले लवर का ही बता देती हूँ, अगर आप सोलमेट पाना चाहते हो, किसी को प्यार करते हो, मुझे उनके साथ रीयूनियन दिख रहा है। आपने अगर कोई रिलेशनशिप के लिए मेहनत किया है, रीयूनियन दिख रहा है, या फिर लव लाइफ में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, या फिर सोलमेट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर परफेक्ट पार्टनर आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। दूसरे आपका अच्छे कर्म का फल मुझे दिख रहा है, द एट ऑफ वॉन्ड। बहुत सारी चीजें एक साथ काम करेगी आपके लिए, बहुत सारी चीजों में आपको एक साथ सक्सेस मिलेगा। एक होती है ना कि सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब में फेलियर, लेकिन इतना मेहनत कर लिया है, या फिर इतना कोशिश कर लिया है, इतना सब कुछ कर लिया है ना, एक साथ दो तीन सक्सेस मिल जाएगा, और ये आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका अच्छा कर्म का फल है, भगवान आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि किस ओर जाना सही रहेगा। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, अगर आप बार बार ऐसी जगह पे फिसल रहे थे जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा पाथ चूज करूं तो मेरे लिए सही होगा, कहीं ना कहीं भगवान आपको वो पाथ ही चूज करवाएंगे जो आपके लिए डेफिनेटली सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, भगवान आपको ये अच्छा कर्म का फल देंगे कि आपको, आपके दिमाग में प्लान रखेंगे, या फिर आपको जीवन में प्लान सिखाएंगे, हर एक चीज को लेके कैसे प्लान करना है। आप अनप्लान्ड सब कुछ नहीं चल सकते हो, अनप्लान्ड करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा कि आप प्लान करके हर एक काम करोगे, जिससे आपको लॉस कम होगा। और एक बहुत अच्छे कर्म का फल है, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। कोई काम, आप किसी काम के लिए निकलोगे, कितनी भी सिचुएशन ऑड हो, कितना भी खराब सिचुएशन हो, आप देखोगे दिसंबर तक आप उसके राह पे जीत जाओगे। विक्ट्री इज हियर। आप लड़ते हुए, आप एवरी ऑड, जो भी चीज बहुत खराब है आपकी, अगेंस्ट में चीजें चल रही है, उन सब से लड़ते हुए आप मुझे जीतते हुए दिख रहे हो। भगवान आपको ये जरूर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि आप जो जीतोगे, ठीक है, आप जो सिचुएशन जो आपका है, आप जिस भी सिचुएशन में आप गुजर रहे हो, आप मेंटल स्ट्रेंथ रख के चलो, दिसंबर तक देखोगे आपको विक्ट्री मिलेगी उस चीज में। परिस्थिति आपके अपोजिट जाएगी, लेकिन आप जीत जाओगे। तो यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय।